जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ कि नए वीडियो में। और आज आप देख सकते हैं मैं प्रश्न बंक बैंक जो है आपका जैक बोर्ड का जो आया हुआ है उसका चैप्टर 3 का डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी दिया गया है जैक के सैंपल में, मैं उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ 2023 का, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आइए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का हमने ऑलरेडी जो है वो वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसका जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उसको वहां से इजीली अवेलेबल आपके लिए हो सके, उसको जरूर आप देख लेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके सामने ये रहा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। इसमें जितना भी सवाल पूछा गया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सारा डिस्कस करा देते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते सीधा सीधा। और सबसे पहला बात क्या आता है सर, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम का जो नियम है ना वो किनके द्वारा पालन किया है। सबको पता सर कि ओम्स लॉ कहता है भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और जहां बात करंट का आएगा, जहां आई का बात आएगा, जहां बात वोल्टेज का आएगा, सबको पता है करंट और वोल्टेज का जो कहानी है सर वो कंडक्टर में ही होता है। यानी कि ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ कंडक्टर के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन था ये, और बहुत जल्द बहुत कम समय में हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सर, सबसे पहले बताया कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। आपको बता दें सर, ये एवरेज वेलोसिटी होता है जो, यानी जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर वो ड्रिफ्ट करते हैं, खिसकते हैं, चलते हैं, यानी कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ये पूछता कि करेंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो उसका रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए बी डी। यानी यहां से लिखवा सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू बी डी होता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा तो करंट का मूवमेंट भी ज्यादा होगा। और दूसरा बात यहां पे आता है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिसकेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, यही से आपको समझना है। तो ये जो है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर का सेकंड था। और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है सर, किरचॉफ्स जक्सन रूल जो है यही फर्स्ट लॉ भी है, यही फर्स्ट लॉ भी है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सर कि फर्स्ट लॉ होता क्या है। बच्चे समझेंगे आप, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम जक्सन रूल नाम से जानते हैं वो कहता क्या है, वो कहता है कि टोटल जो करेंट किसी भी जंक्शन पे मीट करेगा, टोटल करेंट जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, उसका टोटल जो अल्जेब्रिक सम वो जीरो होना चाहिए। ये जितना करंट आएगा, यानी सर ये कहता है जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा, मतलब आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं दोनों बराबर होती हैं। और ये पूरा का पूरा कहानी धारा अधारा मतलब किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। किरचॉफ्स का सर लूप रूल क्या बताता है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किरचॉफ्स का लूप रूल क्या बताता है, यानी कि यह जो है किरचॉफ का लूप पास नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आपको बता दें कि सबसे पहला बात, किरचॉफ्स का लूप रूल जो है सेकंड लॉ भी कहते हैं हम लोग। और ये बताता क्या है सर, ये बताता है ना कि टोटल ईएमएफ और टोटल वोल्टेज जो होता है किसी भी क्लोज लूप का, किसी भी क्लोज सर्किट का, वो जीरो होता है। ई प्लस वी बराबर जीरो, यानी ये जो है वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी का बात करता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया सर यहाँ पे। द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी कह रहा है सर, रेसिस्टिविटी कह रहा है तो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर रेसिस्टेंस का होता तो हम क्या देखते हैं, आर इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू एल बाई ए, यानी कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल का। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड जो करता है, लेकिन जब बात करेंगे रेसिस्टिविटी का सर ना, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे ना। क्या कह रहा है, इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई, एन सेल है टोटल सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है,
इसको ना पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, तो बताना है कि टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। टोटल ईएमएफ तो सर जो होता है ना वो ई वन प्लस ई टू, यानी टोटल ईएमएफ जो होता है वो ई के बराबर होता है, यानी कि वो ई के बराबर है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वन बाय आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस डॉट डॉट करके जाएगा, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नीचे तो आर इक्विवेलेंट ही रहेगा, लेकिन वन प्लस कितना टाइम जाएगा, एन टाइम जाएगा। इसको लास्ट में एनसी प्रॉपर कर लेंगे, पलट लेंगे, इसे जाएगा ऊपर, कितना मिलेगा आपको आर ऊपर बाई एन, और आर बाई एन किसमें ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में आपका आर बाई एन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए सेवन की तरफ बढ़ते, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बने खींचेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगा, बहुत 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनाना है, आराम से पूरा चैप्टर पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आइए द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज, जो एलॉय मैंगनीज है उनका जो रेसिस्टिविटी होता है उसके बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि तापमान से निर्भर नहीं करता है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, या तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से घटता है। आपको बता दो बढ़ता है घटता है घटता है बढ़ता है, विशेष दिमाग नहीं लगाना है, ये जो होता है वो तापमान से निर्भर ही नहीं करता है, क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सब रैंडमली ओरिएंटेड मतलब ऐसा वो इधर उधर जो है ना वो रैंडम तरीके से मूवमेंट करते हैं, वो जो होते हैं वो टेम्परेचर पे बहुत तरीके से जो है वो डिपेंड नहीं कर पाते, इसलिए इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो मूलतः जो है वो तापमान से स्वतंत्र होते हैं। और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस सैंपल में जो है क्वेश्चन बैंक में एक ही क्वेश्चन को दे दिया, रिपीट कर दिया इसी क्वेश्चन को, जो कि आपको क्वेश्चन 15 वापस नहीं मिलने वाला क्वेश्चन, ठीक है। एट कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सर जो फॉर्मूला होता है 1 / R इक्विवेलेंट निकालने का वो होता है 1 / R1 + 1 / R2, ये फॉर्मूला हमारा किस केस का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, तो पैरेलल में आप देख सकते हैं क्योंकि 1 / R एक डिनोमिनेटर ज्यादा हो जा रहा है, इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब टोटल निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा और घट जाएगा, ठीक है। सर सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सर कैसे पता, तो सीरीज का फॉर्मूला ही होता है कैसे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सीधा सीधा जोड़ेंगे तो बढ़ ही जाएगा, वन वाई करेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। नाइन नंबर क्या कह रहा है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज केस में क्या कह रहा है कि जब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, आपको बताते जब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे आपस में बदल देंगे तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और जब उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि उसके पूरे जो है वो उस डिवाइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, आगे 10 के नेक्स्ट को देखते हैं, तेरा सेल सेल ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल में कैपिटल आर, तो वी और आर में रिलेशन बताना है, वी आर में क्या रिलेशन होगा, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है बस समझना है आपको। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, सर ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसलिए आई इक्वल टू कितना, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, और वी बाई आर में यहाँ पे वी नहीं दिया हुआ है सर, यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है, कितना ई बाई आर, और आर का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यानी आर प्लस आर, आपको आई यानी करंट मिल गया, वो बात करेंगे भी का, क्योंकि हमको भी में और आर रिलेशन देखना है, भी आर रिलेशन बनाना कैसा है देखते हैं, भी इक्वल टू होता है आई आर, और आई आर में आई की जगह कितना लिखते हैं, कितना सर ई अपॉन आर प्लस आर और इन टू कितना कैपिटल आर, अब इसको हम एक फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, यहां से भी इक्वल टू ई इन टू आर बाई, यहां पे नीचे ना दोनों में से ना कैपिटल आर कॉमन ले लेते हैं बाहर, कितना बचेगा वन वन प्लस कितना स्मॉल आर बाई आर, आर आर कैसे होंगे सर, कैसे देखेंगे, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे कहीं बचेगा ना अंदर में, आर वाई आर करेंगे मल्टीप्लाई करने पे तो फिर स्मॉल आर बचेगा, और यहां भी आपको वी इक्वल टू पी अपॉन कितना वन प्लस आर बाई आर, ये आपका मेन है, इसी पे हमको रिलेशन देखना है, वी आर में क्या रिलेशन होगा इस पॉइंट पे, इस पर रिलेशन चेक करना सर कितना होगा, आइए वी आर रिलेशन, जब हम आर को जीरो लेंगे, इफ आर इक्वल टू जीरो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा, ये जीरो होगा तो देखते भी कितना होगा, तब भी कितना होगा, तो देखेंगे भी इक्वल टू ई बाई वन प्लस आर बाई जीरो, जब आर बाई जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, और कोई भी संख्या बाई इन्फिनिटी यानी ई बाई इन्फिनिटी कितना मिलेगा आपको जीरो, तो भी कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, और जब आर इन्फिनिटी लेंगे, जब आर इन्फिनिटी
सकते हैं d कितना होता है। जब r लेंगे इन्फिनिटी तो कोई भी संख्या बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे कितना है वन है, तो जीरो प्लस वन वन, यानी बी इक्वल कितना मिलेगा उस समय e मिलेगा, यानी बी इक्वल कितना मिलेगा e मिलेगा। जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका बी भी बढ़ रहा है, यानी यह जो है वो देखिए ध्यान से ये आपका रिलेशन है कि r बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, आर जीरो था तो बी भी जीरो था, और ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पे जिसका डायग्राम दिखिए बना ही है ठीक है, ये जो था सेकंड ऑप्शन ये यही बता रहा है, ये बी आर रिलेशन दिखा रहा है इस तरह से करके चेंज कर रहा है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही आंसर है ठीक है, ये बी सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसका, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए 11 नंबर क्या कह रहा है, AB इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RR, बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर, R बढ़ाएंगे करंट डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, के यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज करेगा, और जब दोनों चीज डिक्रीज करेगा तो ये इधर की तरफ भागेगा, इधर इधर मतलब कि B की तरफ भागेगा, एंड टुवर्ड्स B इसका सही आंसर होगा ठीक है, B की तरफ चला। नंबर 12 नंबर कह रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर, सर ओमिक कंडक्टर भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, भी बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, बस खत्म कुछ नहीं है इसमें, टाटा वाई वाई होता है ठीक है। आइए नंबर 13 देखते हैं, वी आई स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ ऑफ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर का बात कर रहा है, गुड कंडक्टर का केस में क्या होता है, अगर बात करता सिर्फ कंडक्टर का तो भी प्रपोजल टू आई लिखते, लेकिन बात कर रहा है गुड कंडक्टर का तो स्लाइटली चेंज होता है, स्लाइटली चेंज होगा का मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि गुड कंडक्टर में जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों को देकर चलना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है ठीक है। इन द क्वेश्चन 14 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स, जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो क्या होता है सर, उस केस में करंट जो होता है रेसिस्टर्स का वो सेम होता है, अगर इसी को पैरेलल में कहता है तो यहां कहते हैं पोटेंशियल सबका सेम होता है ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका करंट सेम होता है, सारे रेसिस्टर्स से करंट सेम सेम क्रॉस करता है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, आपको ऑलरेडी बोले थे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 15 दोनों सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है, तापमान से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कुल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया चैप्टर 3 का, बहुत ज्यादा माने वाले हैं, बहुत सारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस का भी लेके, और हम जो है आपको ऑनलाइन में ही तैयारी करवाएंगे, क्रैश कोर्स लेके आएंगे आपके लिए हम, जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे वन शॉट वीडियोस में करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको एक शेड्यूल करने वाले हैं, हम आने वाले वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बातों को कि कैसे कैसे हम लोग तैयारी करने वाले हैं क्लास 12 का। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।